हेलो फ्रेंड्स, आई एम बड़े भैया ब्रज मोहन, जिसे मुझे कहते हैं विद्यामंदिर से, दोबारा से आपका नशा हटाने के लिए आ गया हूँ। देखो दोस्तों, कल हमारा जेई मेंस 2019 का रिज़ल्ट आया है। आप सबको मालूम ही है, जब भी कोई रिज़ल्ट आता है तो एक इंटरेस्टिंग सी मतलब इवेंट्स तो होती हैं, आपके मन में चलती हैं, घर में चलती हैं, ऑल अराउंड, और आपके चारा एनवायरनमेंट है, जो भी आपकी रिवीजन क्लासेस वगैरह होंगी उन सब में चलती हैं। कुछ लोगों के नंबर अच्छे आते हैं, कुछ लोगों के नंबर ख़राब आते हैं, कुछ के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ के एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं। और इस बार जो ये पहली बार NTA ने सिस्टम शुरू किया था आपका, कि पेपर वन, पेपर टू और बेस्ट ऑफ द पेपर टू, और उसमें आपका परसेंटाइल और परसेंटाइल से जो रैंक निकले हैं, बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन अभी उन्होंने नहीं दी है, हो सकता है वो दो चार दिन में दे दें, लेकिन जो रैंक आ गया है वो बदला नहीं जा सकता है। आपका जो भी रैंक आया है उसको हम्बली आप उसको एक्सेप्ट कर लें, जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लें। आज इस वीडियो के देखते हुए कुछ लोग एक्सेप्ट कर चुके होंगे, बहुत सारे बच्चों से मैं आज बात कर चुका हूँ, और प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लें। इस वीडियो को अपने मम्मी डैडी को भी दिखा लें, मैं उन सबको हेलो करता हूँ और नमस्कार करता हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी हमें इस रिज़ल्ट से वी हैव टू ट्रांसेंड दिस रिज़ल्ट ऑफ जेई मेंस। जब हम दोस्तों भूले ना, दो साल पहले, तीन साल पहले जब IIT की तैयारी की जर्नी शुरू हुई थी तो उसमें नंबर वन चॉइस होती थी, जिसको हम प्लान ए बोला पिछली वीडियो में, वो IIT एडवांस होता था। और प्लान बी हमेशा से हो रहा है, इतने सालों से चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ कि प्लान बी फॉर बिट्स होता है। प्लान सी क्या होता है? वो अदर इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं जिसमें NITs आते हैं, इंक्लूडिंग आपके रीजन इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं, दिल्ली में जैसे IP होता है, UP के अंदर UP2 होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद जो है प्राइवेट कॉलेज आते हैं, मणिपाल और VIT, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा प्लान सी है, जिसमें JEE मेंस का रिजल्ट आ चुका है, VIT का रिजल्ट आ चुका है, मणिपाल का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, ये हो चुका है। तो अभी एक तरह से देखा जाए एक लाइटनेस आ गई है बॉडी के अंदर, कि सिर पे एक एग्जाम दिया था, रिजल्ट भी आ गया, आओ हटते हैं इसको, हटा देते हैं। इसका जो भी रैंक आया है उससे डिसाइड होगा, कब डिसाइड होगा अभी पता नहीं है, डेट्स नहीं आई हैं, डेट्स अभी सिर्फ IP का फॉर्म निकला है या थापड़ का फॉर्म निकला है, वो आप चाहें तो एज ए बैकअप प्लान भर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इस रैंक के बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचना है कि मेरे दोस्त के 300 नंबर आए हैं, उसका इतना रैंक आ गया है, मेरे दोस्त के मेरे से कम भी आए हैं, उसका रैंक जो है मेरे से बेटर आ गया है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लास्ट मतलब जो है ना आपके 12 14 24 घंटे से चल रही हैं। इस सब से क्या हो रहा है? आपका सिर्फ नुकसान हो रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, पेरेंट्स की एंग्जाइटी बढ़ रही है। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि पहले तो यही चीज़ है कि क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जो हो गया सो हो गया यार, अब बदला नहीं जा सकता। लेकिन अभी क्या है, आगे जो आने वाली चीज़ है, मेरा पुराना डायलॉग हिस्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट, वंस अगेन मैं उसके सामने ला रहा हूँ, लेकिन जो फ्यूचर है हमारे हाथ में है, उसको हम बेटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, बच्चे में से पूछ रहे हैं, आप एक बार खराब कर सकते हो, कौन सा, बिट्स का, कौन सा, एडवांस का। जब खराब कर सकते हो तो अच्छा भी कर सकते हो। खराब क्यों करोगे? इस चीज को ज्यादा सोच के, कंपैरिजन कर करके। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे के पीछे ना पड़े, जो हो गया है सो हो गया है। सुबह से हम परेशान हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि RTA डालते हैं, हम बात करते हैं लोगों से जाके वहाँ पे कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं, दूसरे बच्चे के नंबर कम है। अरे परसेंटाइल सिस्टम है, नया सिस्टम आया है, आपको पता तो है नहीं कुछ भी, जो है पता मुझको भी नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बॉदर नहीं करना चाहता हूँ। हमें क्या करना है, प्लान बी यानी बिट्स, जो कि 15 तारीख से शुरू हो गए, 28 तारीख तक एग्जाम है, उस पर फोकस करना है। जो आप कर ही रहे हो, सिर्फ बीच में एक हलचल सी आई थी, जब हलचल आई है ये हट गई है, 24 घंटे हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, इसको हटा दो। मत सोचो कि NSIT में एडमिशन हो जाएगा, DTU में हो जाएगा, किस NIT में क्या मिलेगा, IIITs में क्या मिलेगा, कोई जानता नहीं है। तो आप बिना मतलब में लोग एडवाइस लोगे, आजकल हजारों आदमी यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं आपको, किस पे जो बोलते हैं यूट्यूब के अंदर। अभी एक बच्चे ने सुबह मैसेज लिखा कि मेरे किसी रैंक प्रेडिक्टर ने मुझे बताया कि 6 से 7 हज़ार रैंक आएगा, रैंक आ गया उसका 24 हज़ार। अब मैंने कहा मुझसे क्यों कह रहा है, उसको जाके सू कर दूँ यार, किस रैंक प्रेडिक्टर ने तेरा 6 से 7 हज़ार बता दिया है। इसी तरह से क्या करोगे, आप लोगों से राय लोगे, एडवाइस लोगे, उनके पास तो है नहीं। लेकिन यहाँ इंडिया में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है यार, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो ऑनेस्ट आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या होगा। जब जैसे होगा पता लग जाएगा आपको, जो जब फॉर्म्स निकलेंगे, जब उसकी काउंसलिंग होगी, प्रोग्राम होगा, पता लग जाएगा। अभी क्यों सोच रहे हो इस बारे में, अभी बिट्स का एग्जाम दो। हाँ कुछ लोग हैं बहुत अनफॉर्चुनेट हो गए हैं,
मेरा हृदय उनके साथ है कि जिनके क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या बहुत कम नंबर आगे हैं, उनके लिए बिट्स का एग्ज़ाम आता है कि बिट्स के एग्ज़ाम पे फोकस करो। बिट्स के एग्ज़ाम की फिलॉसफी क्या होती है, जेई मेंस जैसी होती है, क्लियर मैंने बताया था कि उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि स्पीड इज़ द की देयर। एडवांस एग्जाम मैंने बताया था, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम, इसमें आपका सिलेबस पूरा तैयार ही नहीं होता है तो भी आप सेलेक्ट हो जाते हो क्योंकि उसमें आपको क्या होता है, एक्यूरेसी चाहिए होती है और जो चीज़ आपको आती है वो बहुत कॉन्फिडेंटली आपको करनी होती है। तो अभी आप चिंता मत करो, अभी ये जो प्लान थ्री था, सी था, उसके एग्जामों का रिजल्ट आया है, आप डिसाइड कर लो क्या होगा। VIIT की काउंसलिंग आएगी, आप डिसाइड कर लो आपका स्टेटस क्या चल रहा है, आपको बिट्स में जाना है नहीं जाना है, ठीक है, या अपने पापा मम्मी से राय ले लो या उनको भेज दो कि आप जाके हमारे लिए सीट रिजर्व कर दें, शायद कुछ पैसे काट के वो सारे पैसे आपके रिफंड कर लेते हैं, आपको चलो बैकअप प्लान में बिट्स पे एडमिशन ले लो। मैं आपको बिट्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे जो, ठीक है, बाकी NIITs का भी डिसाइड नहीं होगा, जब डिसाइड होगा पता लग जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ प्रोसेस के अंदर हो गया है, बहुत हो गया है, सुबह से बहुत हो गया, कल रात से हो गया, बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है क्योंकि एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहे हैं, इरिटेशन हो रही है, आज क्लास में इतने सारे बच्चे नहीं आए जो हमारी रिवीजन क्लासेस थी आज, क्यों, क्योंकि उस रिजल्ट के जो इफेक्ट है, शॉक है, उससे ऊपर नहीं उठ रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। इसलिए हमने 2 साल पहले 3 साल पहले तैयारी नहीं शुरू की थी कि हम परेशान हो जाएंगे इतनी जल्दी से, जो है हमें बिट्स का एग्जाम देना है और एडवांस एग्जाम देना है। तो माई डियर फ्रेंड्स, जस्ट शेक योर बॉडी, कम आउट ऑफ दिस गेम ऑफ जेई मेन्स रिजल्ट 2019 और अपने को गियर अप करो, पॉजिटिव होके, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होके, मतलब जो है बिट्स और एडवांस के लिए क्या चाहिए एडवांस के अंदर क्वालिटी, जैसे हम बात करते हैं इंडिया में कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, कण कण में ईश्वर बसता है, रोम रोम में ईश्वर बसता है, तो एडवांस एग्जाम के लिए क्या एक क्वालिटी चाहिए आपको, जो है वो चाहिए आपके रोम रोम में कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आपके अंदर, आप रिजल्ट को लेकर एनालाइज कर रहे हो, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, मैं हमेशा से कहता हूँ आपके एफर्ट से आता है। भूलो मत कि आप 2 साल से या कुछ लोग 3 साल से जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सारे उतार चढ़ाव लाइफ के, कभी नंबर कम, कभी नंबर ज़्यादा, कभी पप्पी ने खिंचाई करी, पापा ने खिंचाई करी, दोस्त ऊपर गए, दोस्त नीचे गए, सारे जो जितने छोटे मोटे जो वेव्स आई थी, टर्बुलेंस आए थे, आप सब ने उसको कॉन्कर कर लिया है, यू आर स्टैंडिंग हियर टुडे, सिटिंग हियर टुडे वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस मैंने कहा था हमेशा एफर्ट से आता है, हार्डवर्क से आता है, पैशन से आता है, मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज आई होप आई एम क्लियर टू एवरी वन, जो है कि आप बिल्कुल भी ये रोना पिटना बिल्कुल बंद करा जाए जेई मेन्स के रिजल्ट का। जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, यस ठीक है, गुड है, जिनके कम आए हैं, ओके, अब क्या कर सकते हैं, रिजल्ट आ चुका है, जिनके और ज़्यादा खराब आए हैं, चलो कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं क्या होता है। लाइफ इज़ ए वेरी बिग कैनवस, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में की जा सकती हैं, कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं हो गया जेई मेन्स में। और अब तो बात की बात है, जब आप जेई मेन्स भी तो हो गया है, बिट्स भी खराब कर दोगे, पता नहीं क्या प्लान है आपका, और आपका जो है मैं बहुत मस्त टाइप का आदमी आपको मालूम है, एडवांस भी खराब करोगे, फिर सोचेंगे जाके मई के अंदर क्या करना होगा। अभी तो 2 एग्जाम है जिनको अच्छा करना या खराब करना हमारे अपने हाथ के अंदर है, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर है। तो रोम रोम में जैसे ईश्वर बसता है, ऐसी रोम रोम में कॉन्फिडेंस करके इस एग्जाम को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो। समझ आ गई आपको जो बिल्कुल जो है, जिनको नहीं समझ आई है प्लीज़ इसको दोबारा देख लो वीडियो को, क्योंकि अब कुछ करा नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अपने बच्चे की खिंचाई ना करें, बहुत उसके साथ खड़े हुए और उसके साथ मतलब कॉन्फिडेंस दिलाएं कि यार अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मेन 2 एग्जाम बचे हैं, तो उसमें कुछ भी कर सकता है, यू कैन डू वंडर इन जस्ट 25 डेज के अंदर जो है। 15 दिन समझ लो बिट्स के हैं जिनका 15 से एग्जाम है, और 3 दिन पहले जाके 5-6 पेपर कर लो, और डेली बेसिस पे अल्टरनेट डेज पे कुछ पेपर कर लो टू इंक्रीज योर स्पीड जो है। और एडवांस के लिए फिर रिपीट कर दूं, क्या कर लो आप 2014 से लेके 2018 तक के 5 साल के पेपर को रिवाइज कर लो अच्छे से, मतलब जो एक्चुअल पेपर रहे हैं प्रीवियस ईयर उनको फील करो, उनको देखो क्या मिस्टेक होती है, मेरे से क्या चीज़ है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितने वेक्टर क्वेश्चन आते हैं, कितने आपके जो है इसमें कैलकुलस के आते हैं, उधर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, मैकेनिक्स क्या है, नॉन मैकेनिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह क्या है। आप आइडिया ले लो पेपर को किस तरह स्प्रेड हो गया आता है, जब भी कभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो, आप क्वेश्चन पेपर नहीं करते, आप क्वेश्चंस करते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन निकालो प्रीवियस ईयर के, आप ऑर्गेनिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल दो। हम भी ऐसी वीडियो डाल रहे हैं आजकल इंद्र सर की और केमिस्ट्री की, वही वो अपना रोल है उसका, लेकिन पूरे पेपर को सामने रख के फील करना बहुत जरूरी होता है, आपके अंतरात्मा के अंदर उधर याद है भाई किस तरह से क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर आते हैं। दाओ पैटर्न चेंज हो जाता है हर साल, लेकिन फिर भी एक फील फैक्टर जो होता है वो अच्छे से आ जाता है। और जो हमारे पेपर हो रहे हैं मॉक सीबीटी जैसे भी जिसके हो रहे हैं, उनको देते जाओ कॉन्टीन्यूसली, जब भी हो रहे हैं उनको एनालाइज करो बैठ के, क्या गलती हुई है, इस तरह से डे बाय डे
अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को एनालाइज करो परफॉर्मेंस को, और शांति से हैप्पी इंडेक्स को चेक करते हुए पेपर को देते चले जाओ। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन जो है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मम्मी डैडी को जरूर दिखाओ अगर वो आपके साथ नहीं है, और बी ब्रेव, ठीक है जी, बिकॉज वर्ल्ड बिलोंग्स टू ब्रेव एंड बोल्ड पीपल। डोंट एवर फॉरगेट दिस जो है। ऑल द बेस्ट, चीयर्स, थैंक यू वेरी मच।